गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज प्रिंस कुमार। विद्या सागर क्लासेस में आपको फिर से स्वागत करता हूँ। वी आर गोइंग टू डील विद द टॉपिक टेंस। टेंस के बारे में हम समझेंगे और इसके ट्रांसलेशन देखेंगे। टेंस का हिंदी होता है काल। ये बताता है कौन सा कार्य किस समय हुआ है। प्रेजेंट बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। We are going to see translations and how to identify various types of sentence. तो चलिए हम tense start करते हैं। Tense का हिंदी होता है काल। Tense का मतलब होता है time of action, मतलब कौन सी कार्य किस समय हुआ है उसको दर्शाने के लिए हम tense ही use करते हैं। तो tense basically three types होते हैं, present tense, past tense and future tense. Present tense जो कार्य अभी हो रहा है, जो present में चल रहा है, और पास्ट टेंस जो हो चुका है मींस जो बीत गया, और फ्यूचर टेंस जो होने वाला है। इन तीनों टाइप्स के भी चार टाइप्स होते हैं, वी आर गोइंग टू सी। जैसे कि मैंने बताया प्रेजेंट टेंस चार टाइप्स होते हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका पहले हम पहचान समझेंगे। सिंपल प्रेजेंट का पहचान कैसे करेंगे? हिंदी शब्द के अंत में ता है, ते है या ती है रहेगा तो उसे सिंपल प्रेजेंट के अंदर डालते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन सीखेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस बी वन या बी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल हो जाए राम आम खाता है, तो इसके शब्द के अंत में क्या है? ता है। तो ये कौन सा टेंस हुआ? सिंपल प्रेजेंट। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे राम इट्स मैंगो। ये राम के साथ मैंने वी फाइव लगाया क्योंकि राम एक सिमिलर नाउन है। सेकेंड चीज आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी शब्द के अंत में रहा है, रही है, रहे है, रहता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज ए मार प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। वी फोर का मतलब होता है वर्ब के साथ आईएनजी। इसके शब्द के अंत में मैंने बोला रहा है, रही है या रहे हैं, तो आप देख सकते हैं शब्द के अंत में क्या है? रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट है राम, इसके बाद इज ए मार, तो राम के साथ इज लगेगा, राम इज, इसके बाद बी फोर ईटिंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट मैंगो। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट। जो प्रेजेंट में काम हो चुका है उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसका ट्रांस हिंदी शब्द के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं या आ है या ए है रहता है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर डालते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। राम आम खा चुका है, तो इसमें सब्जेक्ट है राम, तो सिंपल राम लिखेंगे प्लस हैज, वी थ्री होता है इटन प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? मैंगो। तो राम हैज इटन मैंगो, राम हैज इटन मैंगो, राम आम खा चुका है। लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी क्या था? रहा है, रही है, रहे हैं, पर इसमें कोई समय नहीं दिया था, पर इसमें मुझे एक समय देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है राम एक घंटे से आम खा रहा है। रहा है तो कंटिन्यूअस में ये होता ही है, पर एक घंटे से एक समय दे दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीइंग प्लस वी फोर सिंस या फोर प्लस टाइम। तो इसको हम ट्रांसलेशन करते हैं राम हैज eaten, has been eating mango for one hour. तो इसका राम एक घंटे से आम खा रहा है,
So Ram has been eating mango for 1 hour. Next, we are going to deal with past tense. जैसे कि प्रेजेंट टेंस के चार टाइप्स होते हैं, वैसे ही पास्ट टेंस के भी चार टाइप्स होते हैं। पहला सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट पर सिंपल पास्ट के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। इसका पहचान कैसे करते हैं? हिंदी शब्द के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ या ये यो। जैसे कि एग्जाम्पल है राम विद्यालय गया, इसके शब्द के अंत में क्या है? या। और मैंने बताया या किस में आता है? सिंपल पास्ट में। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो राम विद्यालय गया, तो राम गो का वी टू वेंट, राम वेंट स्कूल। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस, इसका पहचान है रहा थी, रही थी, रहा था, रहे थे। इंग्लिश शब्द में अब इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस पीपल प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे गीता नाच रही थी, तो गीता वाज डांसिंग। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इज दैट गीता सब्जेक्ट and watch plus report plus object. Next, past perfect continuous. हिंदी शब्द के अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है बच्चे क्रिकेट खेल चुके थे, मैंने बोला चुके थे, किसमें आता है? पास्ट परफेक्ट में। बच्चे द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन प्लस हैड, तो इसके बाद मैंने हैड लिखा, हैड प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका भी सेम प्रेजेंट टेंस जैसा ही होता है, पर सबके अंत में था, थी, थे लगता होता है, जो काम हो चुका है। तो एक एग्जांपल मैंने बताया, पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे थे, वो काम हो चुका है। तो इसके साथ मेरे को भी टेंस देखने को मिलेगा सुबह से। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस सिंस फोर प्लस टेन। तो पिताजी द फादर Had been reading newspaper since morning. अगर टाइम फिक्स रहता है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, अगर कोई समय फिक्स नहीं है तो हम फोर का यूज करते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इसका अर्थ होता है भविष्यकाल, जो काल होने वाला है। इसके भी चार टाइप्स, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सिंपल फ्यूचर का पहचान कैसे करेंगे? हिंदी शब्द के अंत में गा, गे, गी रहता है। जैसे एक एग्जांपल, राम आम खाएगा, तो ये सिंपल फ्यूचर का एग्जांपल है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो राम आम खाएगा, सब्जेक्ट राम, राम के साथ हम विल लगाते हैं, राम विल प्लस वर्ब वन इट मैंगो। नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो काम फ्यूचर में जारी है। जैसे सब्जेक्ट के हिंदी सेंटेंस के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे रहता है, तो
फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। जैसे राजू किताब पढ़ रहा होगा तो इसका पहचान तो हम कर लिए रहा होगा, तो ये प्रेजेंट नहीं फ्यूचर कंटिन्यूअस में आता है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो राजू विल बी स्टडिंग बुक। सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट, हिंदी शब्द के अंत में चुकेगा चुकेगी या चुकेंगे रहता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चे पढ़ चुके होंगे तो मैंने बताया चुका है, चुकेंगे या चुकेगी या चुके होंगे, ये प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट में आता है। तो बच्चे पढ़ चुके होंगे चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन हैव स्टडी स्टूडेंट्स विल हैव स्टडी। मैंने बोला सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस है, सब्जेक्ट प्लस मैंने यहाँ पे चिल्ड्रेन के साथ वी लगाया और प्लस है प्लस स्टडी जो वी थ्री है। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके अंत में रहेगा रहेगी रहेंगे प्लस टैग दिया होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस है प्लस बी प्लस वी फॉर या फ्रॉम। यहाँ पे सिंस के जगह पे फ्यूचर टेंस में फ्रॉम होता है प्लस टैन। जैसे रहीम सुबह से फुटबॉल खेल रहा होगा, रहीम विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम मॉर्निंग। ये थे टेंस के कुछ ट्रांसलेशन जो बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।